चिटफंड कंपनियां लालच देके आम लोगों तो उन्होंने मेहनत की कमाई ले लेंगे ने। परल कंपनी दे च खास तौर पर जिक्र योग है कि असी उन्होंने रिकॉर्ड से पाउन लगे हाँ जिहड़ियां उन्हां दियां जमीनां ने, उन्हां लई असी एक अमेंडमेंट लेके आए हैं एक्ट दे विच। एक अज अहम फैसला होया चिट फंड कंपनियां नूं लैके, बहुत लोग पीड़ित ने चिट फंड कंपनियां लालच दे के आम लोगों तो उन्हां दी मेहनत की कमाई ले लैंदे ने, दुगने पैसे करांगे तिगने करांगे, एक दो बारी दुगने दे भी देंदे आ विश्वास बना के, बाद दे विच करोड़ां खरबां रुपयां दा घपला हो जांदा। परल कंपनी दे विच खास तौर पर जिक्र योग है जिदा पंजाब दे विच बहुत सारे परल पीड़ित ने, होर बहुत सारिया कंपनियां ने जिहड़ियां चिटफंड कंपनियां ने पैसे लेके भज जांदियां ने, उन्हां लई असीं एक अमेंडमेंट लेके आए हैं एक्ट दे विच। उन्हां नूं सख्त सज़ा दा असीं प्रावधान कर रहे हैं, 10 साल तक जी, 10 साल तक की सज़ा जिहड़ी है वो चिटफंड कंपनी जे कोई किसी नूं बरगड़ा के उन्हां दे पैसे जिहड़े ने उन्हां नूं सुपने दिखा के झूठे वो लैणगे, तां चिटफंड कंपनियां दे जिहड़े प्रबंधक होणगे जां जो भी जिम्मेवार होणगे 10 साल की सख्त सज़ा दा प्राप्त असीं विधानसभा दे विच आउण वाले च लैके आ। बिल्कुल बिल्कुल है, पहला लोडा कमीशन बनया हुआ है इस मामले, तो पंजाब दे विच परल की बहुत सारी जमीन असी उहदे ते परल एक SIT बनाई हुई है, तो बड़ी जल्दी असी वो जिहड़ी जमीन है उन्हां दी उन्हां नूं अक्वायर करके तो असी कमीशन तो मंगांगे इजाजत कि सानू इहनूं नीलाम करके लोगों के पैसे वापस कर शुरू कर। पंजाब दे विच प्रॉपर्टीज़ ने घट्टो घट्ट उहदे ते जिहड़ा साडी सरकार वल्लों असी उन्हां नूं आइडेंटिफाई करके उत्थे बोर्ड ला के डिप्टी कमिश्नर नूं असी कहा होया कि बोर्ड ला दिओ उत्थे कि इह जमीन जिहड़ी खरीदी जां बेची नहीं जा सकती, तो सरकार उन्हों अक्वायर करके उस तो बाद फिर लोडा कमीशन असी भेजांगे कि इन्नी इन्ने इहदी मार्केट वैल्यू है सानू इहनू बेच के लोगों पैसे वापस कर लैण। नहीं नहीं तुसी देखते जाओ, बड़े पहला चौथे पंजवें थान तो भी लिआंदे ने, तुसी दूजे तीजे की गल करते हो, जे नीयत साफ होवे सारा कुछ हो जाता। सो जो बेनामी ने, जो उन्हां दे रिश्तेदारां दे नां ते ने, जो सब पता है वो उन्हां नूं आप भी पता है। सो इस करके जे कोई इदां दी रजिस्ट्री होई, असी वैसे तां एक असी उन्हां नूं रिकॉर्ड ते पाउण लगे हाँ जिहड़ियां उन्हां दीआं जमीनां ने, उन्हूं रैड एंट्री उन्हां दी कर दांगे, उहदी कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकदा। जे कोई कराउण आऊगा तो पता लग जूगा कौन है, इहदा मतलब संबंध तां कितें ना कितें किसे तरीके नाल जांच होऊगी, तू तैं कित्थों जमीन लई सी, तैनूं किहने वेची, अगे कित्थे गए। सो असी चाहुंदे हां कि असली जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं फड़िया जावे। देखो मैं पार्लीमेंट 'च मुद्दा उठाया सी MP दे तौर पर, अरुण जेतली जी उस वेले वित्त मंत्री से, उन्होंने जवाब दिता सीगा कि उन्होंने फड़ के जेल च करता जी जो परल वाला। मैं कहा जी जेल च की फायदा होया, लोगों को की फायदा होया जेल जेल च करता, लोग कहते हैं करो वो जमीन वेच के सानू पैसे वापस कर दो, उन्हें भावें बरी कर दो, असी की करवाना तो। सो सानू यह आर्थिक जिहड़ा क्राइम है ना, इकनोमिक क्राइम है, ये लोगों जो उन्होंने जिनी मर्जी सज़ा दे दो जी, लोगों का तो पैसा चला गया। बल्कि सुसाइड जो तुम शाजली पिंड जाओगे 10 करोड़ रुपया मतलब आले दुआले शाजली के आले दुआले शाजली के पिंडा का है 10 करोड़ रुपया, तो 10 सुसाइड भी ने लोगों ने रिश्तेदारों के पैसे लवाते, अपने मतलब कुड़ी वही सी जिथे सौर कुड़ी के सहुरे तो पैसे लवाते, गरंटी आप ले ली, वो पैसे लेके भज गया, वो फिर संबंध खराब हो गए, उन्होंने कुड़ी वापस भेजती, शर्मो शर्मी मतलब स्प्रे पी ली जां फाहा ले लिया। सो इस तरह बहुत कुछ होया, परल ने कला आर्थिक तौर पर नहीं, मानसिक तो शरीरक तौर पर भी बहुत सारे लोगों जिहड़ा पीड़ित किया, तो होर भी ने दूजिया भी होर भी बहुत सारिया कंपनियां ने परल तो बिना भी।